टिहरी जिले के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने लोक निर्माण विभाग और सरकार के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना देकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान घनसाली विधानसभा में 13 पुलों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें शासनादेश से लेकर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन मौजूदा प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि घनसाली की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आर्य ने कहा कि अगर सरकार और लोक निर्माण विभाग एक महीने के अंदर इन पुलों का निर्माण कार्य नहीं करवाते हैं तो वो सीएम आवास पर धरना देंगे। आज हम 13 पुलों पर जो हमने शासनादेश करवाए उनको निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे। उन पर अगर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो एक महीने बाद हम मुख्यमंत्री जी के आवास पर देहरादून में बैठेंगे। संवाद 365 के लिए टिहरी से पवन नेथानी की रिपोर्ट।